हाय गाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल संडे आफ्टरनून और मैंने सोचा आपके लिए कुछ अलग बनाया जाए रेगुलर खाने से हटके। इसीलिए आज मैंने बनाए हैं वेरी टेस्टी, वेरी इजी टू मेक ब्रेड रोल्स। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हैं एंड एज अ स्नैक इवनिंग में भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसे आप जरूर ट्राई करिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट। लेट्स मूव टू आवर वीडियो। ऑलराइट, तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड रोल्स। लेट्स गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट फर्स्ट। तो मैंने यूज इसमें किया है बॉइल्ड पोटेटोज, सॉल्ट, चाट मसाला, बटर, चॉप्ड अनियंस, ग्रीन चिली, चॉप्ड गार्लिक, पाव भाजी मसाला, धनिया पाउडर, लेमन जूस, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, व्हाइट ब्रेड एंड कुकिंग ऑयल। क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। सो ये है करीबन 3 बॉयल आलू जिसे मैंने पील कर लिया है और अब हमें इसे करना है मैश। सो यू कैन टेक अ फोक और एनी विच वे यू वॉन्ट टू मैश इट, आप करिए। मैंने फोक यूज किया है। सो इसे अच्छे से आप मैश करके इंग्रीडियंट्स ऐड करिए। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा सॉल्ट। ये करीबन 1/2 टीस्पून सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है और ये मैंने ऐड किया है करीबन 1 टीस्पून चाट मसाला। अभी फिलहाल हमें इतना ही ऐड करना है। ये सारा करने के बाद वी विल मिक्स इट वेल और हम बढ़ेंगे फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, सो मैंने अब लिया है एक पैन और इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा बटर। बटर मेल्ट होते ही मैं इसमें ऐड करूंगा चॉप्ड अनियंस। अनियन मैंने 2 लिए हैं और इसे आप कर लीजिए सौते। जैसे जैसे ये ब्राउन टर्न हो, थोड़ा सा कलर चेंज होते ही आप इसमें ऐड कर दीजिए चॉप्ड चिली। ये हरी मिर्च एक्चुअली कुछ ज्यादा ही तेज है इसलिए मैंने सिर्फ हाफ ही यूज की है, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें ऐड किए हैं चॉप्ड गार्लिक। सो चलिए आइए इसे हम सौते कर लेते हैं। ओके, सो ये काफी हद तक फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं करीबन 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला। इट गिव्स अ वेरी यूनिक टेस्ट। अगेन सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सारा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए, कोई भी स्वाद निखर के तभी आता है जब आप मसालों को अच्छे से भून लें। सो मेक श्योर मसाले आप अच्छे से फ्राई कर लें। फ्लेम आपको लो ही रखना है। ये देखिए, कलर चेंज हो चुका है, मसाला इज फ्राइड। मैंने इसे थोड़ा सा और ज्यादा फ्राई कर लिया आगे और अब मैं इसमें ऐड करूंगा हमारे बॉइल्ड पोटैटोस। ये ऐड करने के बाद आप इसे करिए मिक्स। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसे मिक्स करना है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है लेमन जूस। अलोंग विथ लेमन जूस आई विल ऐड सम कोरिएंडर। धनिया ऐड करने के बाद आप इसे एक बार फिर से घुमाइए और ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं इसे आप ऐसे तोड़ सकते हैं आलू के। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, थोड़ा फ्राई होएगा ये और इसका कलर इस तरीके से आने पर आप इसे साइड कर दीजिए क्योंकि हमारा मसाला तैयार है। सो अब मैंने लिया है एक चॉपिंग बोर्ड, इसमें मैं रखूंगा ब्रेड की स्लाइस और देखिए सारे कॉर्नर्स आपको इस तरीके से अलग कर लेने हैं। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज वेरी इजी टू मेक। सो सारे कॉर्नर्स अलग करके टेक अनदर स्लाइस एंड रिपीट द प्रोसेस। एक बार ये हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम दोनों स्लाइसेस को एक साथ रख के बीच में से हाफ कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी और ये पोटैटोज जो हमने साइड किए हुए थे, तो अभी हम ब्रेड को इसमें पहले सोखेंगे। सोखने के बाद वील डू द स्टफिंग। तो सोखना कैसे, ये देखिए, जस्ट इंसर्ट 1 साइड ऑफ द ब्रेड एंड कीप इट साइड और ये दूसरी ब्रेड। ये लेने के बाद कीप इट ऑन योर पाम एंड प्रेस इट जेंटली, टेक आउट द वॉटर। ब्रेड को सिर्फ सौगी रखना है हमें, ज्यादा गीला करेंगे तो ब्रेड टूट सकती है। सो मेक श्योर आप इसे जेंटली इसमें से पानी निकालें। एक बार ये हो जाए, इस तरीके से ब्रेड को पाम पे प्लेस करके डू द स्टफिंग। आलू को अब दबाते रहिए बिकॉज हमें इसे आगे रोल करना है सो दैट इट डजंट कम आउट ऑफ द ब्रेड। और अब मैंने इसमें दूसरा स्लाइस कवर कर दिया ऊपर से। अब आप इसे ज्वाइन करना शुरू करिए। डू इट वेरी जेंटली क्योंकि ब्रेड अभी बड़ी नाजुक है, यू हैव टू गिव इट अ नाइस शेप। तो ये देखिए, धीरे धीरे आप इसे पाम में रखिए और रोल करके इस तरीके से आपका शेप बनेगा। विल रिपीट द प्रोसेस अगेन। देखिए, मैं आपको फिर दिखाता हूं। इसे आप धीरे धीरे जोड़िए
मेक श्योर ऑल द कॉर्नर्स आर अटैच्ड ताकि आलू साइड से ना आए, और हल्का सा एक रोलिंग मोशन आप इसे दे सकते हैं ताकि शेप और बेहतरीन निकले। सो ये शेप ज़्यादा बेटर आया है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सो अब हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हैं। ये देखिए इतने पीसेस मैंने रेडी किए हैं। नाउ आई विल टेक अ पैन जिसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रहा हूँ। इसे आप अच्छे से गर्म कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। यस, ये पूरा गर्म हो चुका है। नाउ विल ऐड द ब्रेड रोल्स जेंटली। फ्लेम आप मीडियम टू हाई के बीच में ही रखिए। ये देखिए तीन पीस मैंने अभी ऐड किए हैं इसमें। धीरे धीरे इनका कलर चेंज होगा। कीप इट फॉर 3 to 4 मिनट्स। ये देखिए नाउ आई एम चेंजिंग द साइड। इसे मैंने पूरा डीप फ्राई नहीं किया, आप चाहें तो पूरा डीप फ्राई कर सकते हैं। इट विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द ऑयल। तो ये आप देखो मैं रोल कर करके इसे फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑयल कम यूज किया है इसमें। और ये हमारे ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। सो नाउ वी विल टेक इट आउट वन बाय वन। ये देखिए कलर कितना प्यारा आया इसका। एंड सिमिलरली वी विल रिपीट द प्रोसेस वंस अगेन। एक और पीस इसमें ऐड किया है। कीप इट फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स। और एक बार आप इसे ऐड करते हैं तो बार बार छेड़िए मत, क्योंकि वो ब्रेड ना फिर बाहर आ जाती है, टूट जाता है। सो इसे जस्ट छोड़ दीजिए एज इट इज फॉर 3 मिनट्स। आइए इसका आप देखते हैं कलर चेंज हो गया है। ये देखिए बॉटम आप देख सकते हो, इट्स टर्निंग रेडिश ब्राउन। नाउ वील फ्लिप इट, क्योंकि बेस इसका तैयार हो चुका है। ये देखिए ये हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हो गए हैं। अब आप इसे निकाल सकते हैं। सो सारे पीसेस तैयार हो चुके हैं, प्रोसेस मैं आपको दिखा चुका हूं। इसे धीरे धीरे तैयार करिए इस तरीके से, और आइए अब इसे सजा के पेश किया जाए।